हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दीपा जी, जैसे आदित्य राज खोल रहे थे पापा के कि पापा रोमांटिक हैं, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज आप उदित जी की बेटर हाफ हैं और आदित्य को आपने जन्म दिया है जी। तो पिता और पुत्र में से दोनों में जिद्दी कौन है ज्यादा, जो अपनी बात मनवा के ही दम लेता है? जिद्दी जी, इतने जिद्दी नहीं है लोग दोनों। दोनों ठीक हैं। ठीक है, ठीक मैं है। बताता हूँ जी। जिद्दी मैं हूँ। क्या ओपनिंग किया था आपने, सबसे जिद्दी इंसान को पूछा आपने। मैंने मैंने सवाल ही जिद्दी इंसान से पूछ लिया। दीपा जी भी जिद्दी है और आदित्य भी बहुत जिद्दी है। अच्छा जी, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ। ठीक है। मैं दोनों के पैर पकड़ के मनाता रहता हूँ। ओके दीपा जी, दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है? अभी लड़ाई होने वाली है। आपने वो संजू फिल्म देखी है ना जी, जहाँ पे संजय दत्त को फोन आता है और वो बोलता है अरे मैं गाड़ी में हूँ, ये है वो, और वो बोलता है अरे सर मैंने आपके लैंडलाइन पे किया है। बस ऐसा ही कुछ पिताजी का भी हाल है। दिन में इनके एक चार चार रिकॉर्डिंग्स होते थे सर, उस वक्त जब 90s में एक एक टाइम पे एक दिन में चार पांच गाने गाते थे, पूरी फिल्म के गाने सर गाते हैं। तो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, तो कभी कभी क्या होता है, कभी आधा पौना घंटा इधर उधर हो जाता है। तो वहाँ पे जो पापा के एक एक नगमे आते थे ना कि टायर पंक्चर हो गया है, मतलब सारी जो दुविधाएं हैं वो पापा के साथ ही हुई हैं कि मेरी पैंट फट गई, मैं घर जा रहा हूँ, आज बीवी नाराज है, कुछ काम है, तो सारे जितने पैतरे आजमा सकते थे 40 साल के करियर में सारे। हाँ, वाइट लाइज। इसका भी जवाब मैं देता हूँ। इसका ओह माय गॉड, इन दोनों में से सबसे सच्चा आदमी उदित नारायण। एक मिनट, हम दोनों में से सबसे सच्चे आप कैसे हुए? हम तीनों में से होगा ना? नहीं मतलब हम दोनों में भी सच्चे, सबसे सच्चे आप ही निकले। ये भी बात सही है कि हम तीनों में से अगर सच्चाई में आप जाओगे तो सिर्फ उदित नारायण है। एक बात की मुझे बहुत खुशी है जी, कि दीपा जी ने जी सर बहुत जबरदस्त मोरल सपोर्ट दिया मुझे, और आदित्य कवरिंग अरे आप इतना सफाई क्यों दे रहे हो? ना म्यूजिक डायरेक्टर अभी फोन करके आपको डांटने वाले हैं, अरे यार 15 साल पहले आपकी पैंट नहीं फटी थी, अभी क्यों बता रहे हो? मैं हो गया। अच्छा नहीं, चलिए कुछ मेरे बारे में बोलो। आदित्य बचपन से लेके 2009 तक ये कमाल का लड़का था। हाँ मतलब आदित्य हाँ, लेकिन जब से जवान हुआ है ना, क्या हुआ फिर जवान होने के बाद? कंप्लीट तो करो आदित्य सर, क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं इसी बात? जब से जवान हुआ है ना जी, तब से थोड़े, ये तो उम्र का तकाजा है ना। ये क्या बात हुई? पर उदित जी देखो, आपको भी तो प्यार हुआ ही था दीपा जी से। हाँ है ना, अरे बच्चे को हो रहा है तो जेलसी क्यों हो रही है? दे दिये, अच्छे से। अच्छा, दोनों में किसकी ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग है? मुझे लगता बराबर है, एज ग्रुप डिवाइड कर दिया है सर हमने। एज ग्रुप, ये यहाँ तक मेरा है, उसके बियॉन्ड वो भी अभी अभी थोड़ा थोड़ा, जब भी पापा के 3-4 साल पहले हुआ है, नहीं तो तब तक वो भी। He's also got all over the world. Wherever I've been, my God. And then nice part about him, I like it is that even now he asked me, कभी हम लोग जाते हैं, ये सब लोग मुझे देखने आए हैं, ये सब मेरा गाना सुनने आए हैं। That's very nice. आपसे ज्यादा कौन डरता है, आदित्य के उदित जी? आदित्य डरेगा इससे? ये क्या मतलब? रंग, 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 रंग। मेरे से तो डरता नहीं है, तो इससे क्या डरेगा? रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग।
He really respects us. That's more important in today's world. डर तब लगता है जब डरने लायक कोई कारण होता है. मैं कोई रीजन ही नहीं देता तो मैं क्यों डरूं फिर, है ना? क्या बात है देते? क्या बात? बहुत अच्छा बच्चा. लेकिन एक बात है, अभी धर्म जी का मैंने कोई एपिसोड देखा. अच्छा जी. सनी के साथ जी. देखिए क्या खानदानी लोग हैं जी, क्या कल्चर है. तो उनसे भी यही सवाल किया तो धर्म जी ने जवाब दिया, बेटा बेटा ही होता है हमारे कल्चर में और बाप बाप होता है. वाह. और ऐसा ही होना चाहिए. आदित्य जी सर, उदित सर इतने प्यारे इंसान हैं, इतने क्यूट दिखते हैं, हर तरह के गाने गाए हैं, सैड, रोमांटिक, यू नो, बीट सॉन्ग, सब तरह के. तो इनके अंदर भी वो शरारतें होंगी, लेकिन असली आप ही बता सकते हैं, ये सच में शरारती हैं उदित जी के? नहीं. हाँ है, बहुत बदमाश है सर, पापा बहुत बदमाशी करते हैं. और ऑब्वियसली उम्र, एक्सपीरियंस, काम, ये सब के साथ साथ आदमी यू नो थोड़ा सा सहम जाता है. बट घर पे पापा बहुत एंटरटेनिंग है. मैं वाकई में बता सकता हूँ कि इनका खुद का एक उदित नारायण शो हो सकता है और इनको किसी गेस्ट की भी जरूरत नहीं है. ये अकेले खड़े होकर एंटरटेन करते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट माई फादर इज दैट इन इतने सालों में ये बिल्कुल भी नहीं बदले, ये सेम टू सेम है. अगर आप घर पे आएंगे तो ये कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते. एक टावल, एक टावल होती है, एक गंजी होती है जिसमें उनका एक जनेऊ दिखता है यहाँ पे, और वो ऐसे ही घर पे घूमते हैं. मैं और मम्मी पापा को मॉडल बुलाते हैं मॉडल हमेशा हमारे लिए. वो क्या बात? और उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, और कभी कभी थोड़ा घबराहट भी उसी बात से होती है कि इनके अंदर कुछ बात नहीं रहती है. अच्छा. अभी कल ही मैं इनको बता रहा था कि अरे वो कपिल सर इतना इतना लेते हैं एपिसोड का, अभी देखिए आके बोल दिया. तो अभी आदित्य ने कहा कि टावल पहन के बैठा रहता है. अभी मैं जिस तरह से स्ट्रगल करके यहाँ आया हूँ तो मुझे तो टावल ही मिलेंगे ना. आप थोड़ी ना टावल में स्ट्रगल कर रहे थे, आ रहा हूँ कपड़े पहन के स्ट्रगल कर रहे थे आप. ऐसी क्या बात है, झोला वोला लटका के बकायदा आपने स्ट्रगल किया है, सब पता है मुझे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.